जुड़े हुए हैं और हमारे साथ में है संजीव गुप्ता जी, पूर्व बीजेपी प्रत्याशी, चेयरमैन नगर पंचायत अध्यक्ष नियुक्त थे और इसमें इस बार भी ताक ठोक रहे हैं जो है कि संजीव जी। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे सरगर्मी बढ़ती जा रही है और लोगों में उत्साह बढ़ता चला जा रहा है। और हम चलिए संजीव जी की से बात करते हैं, इस बार किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं और चेयरमैन क्यों बनना चाहते हैं, अगर यहाँ की जनता इनको चेयरमैन बनाती है तो उसके बाद इनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी, संजीव जी की जुबानी। संजीव जी नमस्कार। नमस्कार संजीव जी, आप पिछली बार चुनाव लड़े बीजेपी के संबंध से लड़े, आपको मात मिली, तो इस बार किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और क्यों लड़ेंगे? मात नहीं मिली थी हमको, केवल विश्वासघात मिला, ऐसा नहीं है मात नहीं मिला था। पार्टी ने हमको प्रत्याशी बनाया था और उसमें कुछ लोग, कुछ मतलब कुछ एक लोगों ने विरोध में चुनाव लड़ दिया जिसकी वजह से हमको शिकस्त मिली, अन्यथा पार्टी का समर्थन, पार्टी का सिंबल होने के बाद भी हम बखूबी लड़े रहे, लड़े रहे। और अपने क्या जो चुनाव लड़े वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे? नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन वो बीजेपी का सिंबल लेने के लिए बहुत उत्सुक थे प्रत्यय, और वो कह भी रहे थे कि अगर हम पार्टी हमको सिंबल देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अगर सिंबल नहीं देगी तो मैं समर्थन करूंगा। लेकिन लास्ट में वही हुआ कि उनको सिंबल मुझको मिला, वो विश्वासघात कर गए, वो निर्दल लड़ गए, इसकी वजह से जो है पार्टी को नुकसान हुआ। और बाकी ऐसा नहीं है कि पार्टी का समर्थन या पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उन लोगों में कहीं से कोई निराशा है, उन लोगों के अंदर भरपूर उत्साह है और इस बार भी हम चुनाव मैदान में हैं, लेकिन पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता हैं, पूरी निष्ठा के साथ लगे हैं और हम ये समझ रहे हैं कि पार्टी हमको विश्वास में, विश्वास पे जताएगी और हमको प्रत्याशी पुनः बनाएगी। और हमें भी विश्वास है अपनी यहाँ नगर की जनता के ऊपर कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस बार मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिला करके सभी भाई या पंजा लहराएगा। नहीं भाई साहब, इस बार तो मतलब लड़ाई में हम केवल एक चेहरा होंगे, बाकी लड़ाई, वास्तविक लड़ाई तो हमारे कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे नगर के मतदाता लड़ाई लड़ते हैं। मैं, मेरी औकात नहीं है कि मैं लड़ाई लड़ूं। पार्टी नगर के मतदाता कमल खिलाएंगे कि साइकिल दौड़ाएंगे कि पंजा लहराएंगे कि हाथी हुंकार भरेंगे? हमें पूरा विश्वास है कि इस बार कमल पूरी तरह से खिलेगा और ये नगर पंचायत का इतिहास। कमल को खिलाने का काम संजीव जी कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे, अपनी अपनी क्षमता के अनुरूप जितना भी होगा मैं करूंगा, लेकिन अकेला चना भाव नहीं फोड़ता मित्र, इसलिए जो है नगर की जनता और उनके मतदाताओं के सहयोग से कब पुरजोर कमल खिलेगा और कमल खिलाया जाएगा। मेरा सवाल दूसरा सवाल है आपसे जी, अगर यहाँ की जनता आपको चेयरमैन बनाती है जी, आशीर्वाद देती है, आपकी, आपका कहना है कि यहाँ की देवतुल्य जनता जी, आपके शब्दों में? नहीं, शब्दों नहीं, वो है भाई सर, वो देवतुल्य हैं, उन्होंने विश्वास जता करके ही हमको वोट दिया है जी, और विश्वास करेगी जनता हमको, ये लगता है। चूंकि अभी तक जितने भी कार्यकाल हुए, कार्यकाल में नगर की दशा कोई भी आप देख लीजिए, किसी भी वार्ड में आप जा करके देख लीजिए, कहीं भी मतलब कोई भी जनता, किसी भी वार्ड की जनता संतुष्ट नहीं। तो अगर आप चेयरमैन बनते हैं जी, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? हमारी प्राथमिकता यही होगी कि अपने जितने भी नगर के या वार्ड के जितने भी लोगों की जो भी परेशानी है उसको बैठ करके, उनके बीच में रह करके उनकी समस्याओं का निराकरण यथासंभव प्रयास करके करना ही करना है। देखिए, आप एक जो है कि बनिया वर्ग से ताल्लुक रखते हैं जी, 2 साल कोरोना रहा जी, लगातार कोरोना रहा, बहुत सारे युवक बेरोजगार हुए, तो अगर आप चेयरमैन बनते हैं या खुद आप युवाओं के लिए क्या करते हैं? पहले तो हम यही सोचेंगे कि उन जितने भी अपने शिक्षित बेरोजगार बंधु हैं
उनको कहीं ना कहीं ले जाकर के वो एड्रेस किया जाए, अपने नगर पंचायत के ही माध्यम से कहीं ना कहीं उनको एक रोजगार देने की व्यवस्था की जाए। उसमें जैसे बहुत से कार्य ऐसे हैं कि जिनके माध्यम से उनको कहीं ना कहीं एड्रेस किया जा सकता है। और बाकी तो भाई संगठन भी उसमें अपनी सलाह देगा, अपने भाई इष्ट मित्र जो भी हैं वो भी सलाह देंगे। तो सबकी बात को मद्देनजर रखते हुए, जनता को विश्वास में लेते हुए उनकी समस्याओं का निराकरण करने का पुरजोर प्रयास किया जाए। कवरेज कर रहा है प्रतापगढ़, कवरेज कर रहा है जोधपुर, कर रहा है और प्रयागराज मंडल पूरा कवरेज कर रहा है, बनारस कर रहा है। तो हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, अपने नगर पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे JNI के माध्यम से? हम तो यही कहेंगे कि सबको देखा बार बार, अगर पार्टी हमारे ऊपर विश्वास जताती है या किसी के ऊपर भी विश्वास जता कर, सबको देखा बार बार, संजीव गुप्ता को देखिए एक बार जी, हमारा यही निवेदन है। क्या सर बनाने का काम करेंगे अपनी नगर पंचायत? मैं अपनी तरफ से 101% वादा करता हूँ कि उसको स्वर्ग बनाने की पूरी तरह से तन्मयता के साथ जो है अपने नगर वासियों के सहयोग से सबको विश्वास में लेते हुए बनाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। धन्यवाद संजीव जी। कितनी भी बाकी से जो है कि संजीव गुप्ता जी ने अपनी राय रखी, मैं प्रेम कुमार त्रिपाठी, कैमरा मैन शिव पंडित के साथ।